City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। आपकी बात हमारे साथ में आज हमारे साथ दो डॉक्टर्स का पैनल जो है वो मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी जो कि आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, और साथ में है डॉक्टर मनु श्रेष्ठ सिंह जो कि होम्योपैथी की एक्सपर्ट हैं। आप दोनों ही बीकानेर से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सिटी लाइव न्यूज में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले आप और हम जो लोग हैं वो विलासिता की चीजों के पीछे दौड़ते रहे, मगर COVID-19 के बाद, यानी कि जो संक्रमण कोविड का फैला है पूरे देश और पूरी दुनिया में, उसके बाद हमको हमारी जो जीवन शैली है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करना होगा। हमारी पुरानी परंपराओं पर हमको जाना होगा, तभी आप और हम स्वस्थ रहेंगे। और एक विशेष बात यह है कि हमें स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। मैं यहां पर सबसे पहले डॉक्टर विवेक आपके पास आना चाहूंगा कि आप वर्तमान परिस्थितियों में क्या कहना चाहेंगे लोगों को, और किस तरह आप देख रहे हैं, अभी 1.5 महीने के से भी ज्यादा हो गया है लॉकडाउन को, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, मैंने देखा है कि जहां तक हमारे चेंजेस हुए हैं जी, और उसके कारण जी, और अब जैसे कोरोना के लॉकडाउन और संयम डर का कारोबार शुरू किया, समय से उठना सकना, तो कुछ लोगों में कमी भी है जी, तो इसमें इस परिस्थिति को रेगुलर कायम जी। विवेक जी, लगता है विवेक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी तकनीकी खराबी के कारण। मैं यहां पर डॉक्टर मनु श्रेष्ठ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि होम्योपैथी की एक्सपर्ट हैं, उनके पास आना चाहूंगा। मनु श्री जी, आप लगातार इतने समय से लोगों की सेवा में हैं और मीठी गोलियां देकर उनका ट्रीटमेंट कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नमस्कार सर, अभी जैसे कोरोना है इसमें होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम नाम की दवाई है जिसको कोरोना के बचाव के लिए बहुत ही कारगर बताया गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो आर्सेनिक एल्बम है इसकी 6 गोली हर एक अडल्ट इंसान को सुबह सुबह खाली पेट लेनी है, और बच्चों को 4 गोली 3 दिन तक लगातार सुबह सुबह खाली पेट लेनी है। दवाई के आगे पीछे कुछ भी नहीं लेना है, अगर कुछ खाना है तो वो आधे घंटे के बाद ही लेना है, और 1 महीने के बाद इसको रिपीट करना है। और साथ ही कितने दिनों तक ये दवा लगातार लेनी पड़ेगी? जी, 3 दिन तक दवाई लगातार लेनी है और फिर 1 महीने के बाद रिपीट करनी है जी। दवा के साथ साथ में हमें और किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? दवा के साथ साथ में हैंड हाइजीन का, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है, इसका ध्यान रखना है। खान पान में बेसिक तौर पर भी बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। कुछ भी खाने से, चेहरे को आपको टच करने से पहले हाथों का साफ होना बहुत जरूरी है, तो जहां तक पॉसिबल हो साबुन और पानी से आपको आपके हैंड वॉश करने हैं, बार बार करने हैं। अनावश्यक रूप से आपकी आंखों को, नाक को छूना नहीं है, क्योंकि जो ये वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। मतलब जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके बोलने से छोटे छोटे पार्टिकल्स के निकलते हैं जो आपकी नाक की और मुंह के थ्रू आपके बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो जहां तक वो घर से निकलने से पहले आपको आपका मुंह कवर करके निकलना है। अनावश्यक रूप से आपके जो हाथ हैं बिना धोए उनको चेहरे पे, नाक पे लगाना नहीं है, आंखों पे नहीं लगाना है। और अगर आपके पास साबुन पानी नहीं है, बाहर निकले तो सैनिटाइजर का जरूर उपयोग करना है। सैनिटाइजर से बार बार आपको अपने हैंड्स क्लीन करते रहना है जी। डॉक्टर विवेक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर।
जी मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे अभी डॉक्टर मनुश्री ने भी बताया और भी सारे डॉक्टर बताते हैं कि लगातार हमको सैनिटाइज हाथ को करते रहना चाहिए, हमें लगातार हाथों को धोते रहना चाहिए। क्या हम घर पर अगर सुबह से शाम तक हैं तो भी हमें यही करना पड़ेगा? और बहुत सी बार हमने ये भी देखा है कि लगातार कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा हाथ को सैनिटाइजर करने से या चेहरे पे भी कुछ लोग जो है सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, तो वो कितना उचित है? नहीं, घर पे रहने पर सैनिटाइज है, घर जी पे सारे साबुन बार बार हमें हाथ धोते रहते हैं, बार बार सैनिटाइजेशन सैनिटाइज। से क्या है, नुकसान होने की संभावना भी रह सकती है। हाँ, यदि जी हम कार्य हैं, घर के बाहर हैं और हमें स्वच्छता के लिए साबुन पानी नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में हमें सैनिटाइज करना चाहिए। और घर पे रहते हुए तो बार बार साबुन और पानी का ही प्रयोग करना चाहिए और जहां तक जी हो चीजों को टच करने से बचना चाहिए। जी इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद में किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए आम लोगों को? देखो, ये जो कोरोना वायरस है, इसमें जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं जी वो कफ और बात प्रकृति के हैं, क्योंकि खांसी, गला खराब, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात होगा, या मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद वात पित्त का तीन दोषों पर चलता है। और जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन वाले जो रोग हैं वो वात और कफ से पीड़ित होते हैं, और इन बचाव के लिए ही आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे हमारे काढ़े हैं, जैसे गोजिवादी क्वाथ है, क्वाथ श्लेष्मिक क्वाथ है, गुड़च्छ वाली क्वाथ है, और बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि इन सबकी देखरेख में लेनी चाहिए। और गर्म पानी बराबर पीते रहना चाहिए, गले को सूखने नहीं देना चाहिए, जहां तक हो जिनमें एक बार भाप लेने सूखने का प्रयोग करना चाहिए। जी ये डॉक्टर विवेक जी, मैं आपके बाद यहाँ पर एक बार वापस डॉक्टर मनुश्री जी के पास आना चाहूंगा। मेरा मनुश्री जी आपसे सवाल ये है कि मान लीजिए अगर किसी को COVID-19 हो गया है, यानी कि कोरोना किसी को हो गया है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी के माध्यम से भी किया जा सकता है, या सिर्फ जी होम्योपैथी जो है वो इंटरनल पावर जनरेट करने के लिए है? जी अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित है व्यक्ति, तो उसकी पूरी केस टेकिंग करके लक्षणों के आधार पर हम एक चयनित दवाई जो आएगी वो दे सकते हैं, और बिल्कुल होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज है। पर दवाई एक पर्टिकुलर नहीं होगी, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, हर एक इंसान का के लिए अलग दवाई इसके अंदर आती है, उसके लिए पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा, और बहुत कारगर इलाज होम्योपैथी में इसके लिए उपलब्ध है। जी यहाँ पर डॉक्टर विवेक आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप और मनुश्री जी जो हैं, आपकी जो पूरी टीम है वो बीकानेर में लगातार आप लोगों ने पिछले 1.5 से 2 महीने में काफी लोगों को ठीक भी किया है, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आंतरिक एनर्जी है उनकी, उसको आपने काफी डेवलप किया है। लगातार आप सुबह से शाम तक और 18-18, 20-20 घंटे तक आप आम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप बताइए कि आपने अब तक कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया है, किस तरह के लोग आपके पास आए हैं और आपने किन किन तरह के उनको सजेशन दिए हैं? वैसे तो देखो, हमारी टीम CMHO ऑफिस के अंडर में काम कर रही है, लेकिन जी जहाँ पे भी कर्फ्यू ग्रस्त एरिया है, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम सब लोगों ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं और उससे निश्चित रूप से फायदा हुआ है। जी मैं यहाँ पर एक और ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ हम पुरानी परंपराओं को छोड़कर जहां पाश्चात्य की ओर जा रहे थे, लेकिन अब हमको वापस जो है हमारी पुरानी परंपराओं, पुराने स्वास्थ्य के जो ट्रीटमेंट हैं, घरेलू ट्रीटमेंट हैं, या आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट हैं, या होम्योपैथी के जो ट्रीटमेंट हैं, वापस हमको उन्हीं पर आना पड़ेगा। आपकी क्या मान्यता है? बिल्कुल, इसमें ये सच है कि अभी पुरानी पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा, दिनचर्या को हमें अपनाना पड़ेगा, जी ऋतुचर्या को हमें अपनाना पड़ेगा, आहार विहार की चर्या को हमें अपनाना पड़ेगा, और शुद्धता और को हमें अपनाना पड़ेगा, इससे ही स्वच्छता बनेगी और रोग नहीं होने की संभावना रहेगी।
मनुष्य जी, मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा कि क्या आप मानती हैं कि अब हमको हमारी जीवन शैली जो है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार होटलों में खाना खाना, लगातार पैकिंग वाले फूड जो है वो खाना, और घर में जूतों को अंदर तक प्रवेश करना, ये सारी परंपराएं जो है हमको कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। तो क्या आप किस नजरिए से देखती हैं कि क्या हमको किस तरह का जीवन अब यापन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तय है कि जो पुराना हमारा आज से 6 महीने पहले या 2 महीने पहले जो जीवन था उसको निश्चित रूप से हमको चेंज करना पड़ेगा। आप किस तरह की सलाह देती हैं एक होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते? जी बिल्कुल, अब सतर्क होके जीवन यापन करने की बिल्कुल जरूरत है। घर में घुसने से पहले जो आप जूते बाहर लेकर गए हैं उनको डेफिनेटली बाहर उतार के ही घर में एंटर करना है। घर में एंटर अगर बाहर से हो रहे हैं तो आपको दरवाजे, पर्दे, इन सबको टच करने अवॉइड करना है। डायरेक्टली आप बाथरूम में जाएं, नहाना है, पूरा सर से लेकर पैर तक नहाना है, गर्म पानी से नहाना है, साबुन से अच्छी तरह नहाना है, और कपड़े को चेंज करना है। जो कपड़े आप पहन के बाहर गए हैं उनको भी इमीडिएटली आपको वॉश करने की जरूरत है, और अनावश्यक घर में कुछ भी एंटर होते हैं आपको कुछ भी टच नहीं करना है। जी साथ ही साथ खान पान में भी सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। प्रोटीन युक्त खाना लेना है, खाने में जिसमें विटामिन ए सी पर्याप्त मात्रा में लेना है, और गला सूखा नहीं रहना चाहिए। पानी है वो बहुत ज्यादा पीना है, जहां तक वो ठंडा पानी आपको अवॉइड करना है, और ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी या रूम टेम्परेचर का पानी इसका सेवन करना है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम अगर बीकानेर की बात करें या पूरे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर लोगों को ज्यादा मिर्च मसाले की और ऑयल के अंदर फ्राई की हुई चीजें खाने का ज्यादा शौक रहा है। तो हमारे उन दर्शकों को जो राजस्थान में खाने पीने के शौकीन हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको अब किस तरह का फूड खाना चाहिए? जी बिल्कुल, घर में बना हुआ खाना खाने की भी जरूरत है, बाहर का जहां तक वो आपको अवॉइड करना है। कुछ भी खाना पीना है तो घर में खाएं। प्राथमिकता देखिए, आप पौष्टिक भोजन है, हरी सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज है, दाल है, इन पे ज्यादा फोकस करें ताकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अनावश्यक रूप से तेल, घी, चिकनाई वाला खाना अभी अवॉइड करना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक खाना लेने की बहुत आवश्यकता है। इंडियन खाने के अंदर आप नट ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के अंदर आपका बादाम है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, ये ले सकते हैं। फ्रूट्स खाना चाहिए, शिकंजी पीनी है, विटामिन सी युक्त पर्याप्त भोजन लेना है, आंवला हो गया, जूस है अगर आपके पास संतरे का अवेलेबल तो वो लेना है, जहां तक वो चाय है, गर्म पानी है इसका सेवन करना है। बाहर का फिलहाल आपको बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है। बिल्कुल डॉक्टर विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी डॉक्टर विवेक, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घर से तो निकल जाते हैं लेकिन मास्क नहीं पहनते। अभी भी आज सुबह भी जब मैं बाजार की तरफ गया था, क्योंकि कुछ खबरें हमें करनी थी उस सिलसिले में गया था, तो मैंने देखा सुबह सुबह आज मजदूरों की जो भीड़ है वो एक साथ करीब 20-25 लोग खड़े थे, और कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा था, कुछ लोगों ने नहीं लगा रखा था। दूसरी बात, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, आप जैसे डॉक्टर हैं, वो लगातार जो है वो सेवा में लगे हुए हैं, अपनी पूरी जान जोखिम में डालकर सेवा में लगे रहे हैं, लेकिन मैंने उनको भी देखा है कि एक ही मास्क को लगातार जो पुलिसकर्मी है वो सुबह से शाम तक लगाए रहते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? उन लोगों को आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वातावरण का कोई पता नहीं, कहीं से भी इंफेक्शन या वायरस हमारे बॉडी में हो सकता है, और जो वायरस को हमारे बॉडी में अटैक करता है नाक और मुंह और आंख और कान के थ्रू ही करता है, क्योंकि इस समय हमें मास्क पहनना चाहिए और जरूर पहनना चाहिए, और एक साथ भीड़ लगा के किसी को भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ मजदूर वर्ग एक साथ खड़े थे और मास्क नहीं लगा के रहे थे, तो ऐसी अवॉइड करना चाहिए, और रोजाना मास्क को धो के साफ करके अपने कपड़े का दूध मास्क है तो उसको 6 से 8 घंटे हमको यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें मास्क लगा कर रखना चाहिए, और जो हमारी सेवा में आगे आए हुए हैं, चाहे डॉक्टर हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे नर्सिंग कर्मी हों, चाहे नगर निगम के लोग हों, जो भी लोग हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं,
उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपना विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा, और आपको हमको सबको मिलकर इस कोरोना को हराना है। यहाँ पर एक सवाल और मैं डॉक्टर मनुश्री आपसे करना चाहूंगा कि लगातार हम देखते हैं कि शाम के वक्त जो है काफी महिलाएं हैं वो घर के बाहर बैठ जाती हैं, काफी बुजुर्ग लोग जो हैं वो भी 8-10 लोग इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, और विशेष रूप से बच्चे, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों का और बुजुर्गों का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमजोर होता है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? जी, मेरा हम सबसे यही निवेदन है कि जहां तक है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर ना निकले, क्योंकि आपके स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी दिन रात आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए घर के बाहर हैं, तो आप सहयोग करें उनका, घर में रहें और घर के बाहर अनावश्यक रूप से ना बैठे, ना ही बाहर निकले। जी डॉक्टर विवेक, आपसे एक सवाल है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जो लंबी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटिक लोग हैं या कुछ लोग जो हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं या अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, वो लगातार, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरह विशेष रूप से अपना ख्याल रखना पड़ेगा? दीपक जी, मैं एक बार आप दोहराए दोबारा क्वेश्चन को, मैं सही तरीके से समझ पाया। मेरा सवाल ये है कि जैसे लंबी बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या दूसरे जैसे कैंसर पीड़ित लोग हैं जिनकी लंबे समय से बीमारी चल रही है, उनको किस तरह बचाव करना चाहिए? जी, उनको वैसे तो कुछ किन्हीं रोगों से पीड़ित है, अब मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आयुर्वेद चिकित्सक के अनुसार उनको दवाई लेनी चाहिए, कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए, जैसे ये जो हमारे काढ़े हैं, गुड़चादी को आप रेगुलर च्यवनप्राश का सेवन करना, ज्यादातर सब्जी का सेवन करना, और एक निश्चित समय से दिनचर्या को अपनाना ताकि वो रोग से बच सके। जी यहाँ पर डॉक्टर मनुश्री जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह घर में हम लोग पिज्जा भी बना रहे हैं, समोसे कचौड़ी भी बन रहे हैं, सारी चीजें अब घर में डेवलप हो रही हैं, तो आपके मायने किस तरह से हैं कि हमको सुबह से उठकर शाम तक हमारी जो दिनचर्या है वो किस तरह की होनी चाहिए, कब कब हमको नाश्ता करना चाहिए, किन किन चीजों का नाश्ता करना चाहिए, कब हमको लंच लेना चाहिए, कब हमको डिनर लेना चाहिए? अभी तो सारे जो लोग हैं वो खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, तो उनको आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का भी आपको और हमको ख्याल रखना है, खाली बैठे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाएं पिएं और सो जाएं, हमें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि अब आने वाला समय जो है वो जॉब तक स्वास्थ्य को देख कर दिए जा रहे हैं, यानी कि आपका जो पासपोर्ट बनेगा उसमें भी पहले आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनेगा, तो आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि वो किस तरह अपने दिनचर्या का ख्याल रखें? जी, अभी विशेष रूप से इसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी है आपको वो पीना है, ब्रश करके हल्का व्यायाम करके आधे घंटे का, उसके बाद में आपको नाश्ता लेना है, नाश्ते में आप कोई भी दूध है ये लेना है, अंकुरित अनाज है, पोहे हैं, इस तरह का आपको खाना लेना है, साथ में फ्रूट आप ले सकते हैं, भीगे में बादाम हो गए, नट्स हो गए, आपको ये भी लेना है। दोपहर में 12:30 से 1 के बीच में खाना खा लेना चाहिए लंच के अंदर, जिसमें हरी सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, सलाद है, इस पे प्राथमिकता देते हुए आपका बेसिक डाइट ये होना चाहिए। शाम का जो भोजन है वो 7 बजे तक ले लेना चाहिए, जिसमें भी हल्का हो, दाल हो, सब्जी हो, घर का बना हुआ कोई हरी सब्जी हो, सब्जी है वो लोहे की कढ़ाई में बनी हुई हो तो उसमें आयरन भी रहेगा, सलाद खाना है इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है, अगर पिज्जा है, बर्गर खाने का मन है घर में बना के, तो उसको डेली बेसिस पे ना करके हफ्ते में एक बार आप सेवन कर सकते हैं उसका, डेली बेसिस पे मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि डेली बेसिस पे उसका सेवन ना करें। जी डॉक्टर विवेक, हमने अभी कुछ दिन पहले YouTube पर देखा था कि आप जहां एक तरफ मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वहीं आप और आपकी टीम के जो सारे लोग हैं वो एक बहुत अच्छा सा गाना भी गा रहे हैं, तो वो कौन सा गाना था, हम भी आपसे सुनना चाहेंगे। सर, ये तो हमारे ऑफिस में टीम को एनकरेज करने के लिए वो गाना गाया गया था। जी
मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, जब हम काम कर रहे थे फील्ड में, क्योंकि बीकानेर के सीएमएच ऑफिस में हम जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से, अन्य शहरों से, उन सब की स्क्रीनिंग करे जा रहे हैं, और जो पड़ोसी लोग फोन कर देते हमें कि सर ये बाहर से आए हैं, इनका चेकअप होना चाहिए, तो ऐसी सारी परिस्थितियों में हमारी टीम उनके घर पे पहुंच कर उनकी स्क्रीनिंग करती है और उनको कुछ आयुर्वेदिक दवा या होम्योपैथिक दवाएं उपलब्ध करवाते हैं या उनको किसी तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। तब हमारे द्वारा टीम को एनकरेज करने के लिए गाना गाया गया था, मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे तुम, हम सब साथ हैं जब तक। मैं चाहता हूं कि ये गाना आप एक बार गा के सुना दें, क्योंकि आपकी आवाज भी काफी सुरीली है। तुम साथ हो चलो अपने, दुनिया को दिखा, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा। सॉरी, आवाज सही नहीं आ रही। बहुत खूब बहुत खूब डॉक्टर विवेक। मनुश्री जी, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि देखिए, लगातार सुबह से शाम तक आप जूझती रही हैं, मरीजों की देखभाल करती रही हैं, तो काफी मेंटली जो है थकान भी हो जाती है। आप मेंटली डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए क्या करती हैं? कुछ गाती हैं, कुछ गुनगुनाती हैं, कुछ कविता पाठ करती हैं, क्या करती हैं? जी, अभी जैसे हम सीएमएच ऑफिस में कार्यरत है, तो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम के अंदर आयुष चिकित्सक आरबीएसटी के, सीएचसी पीएचसी के कार्यरत है, तो अच्छा माहौल है हमारे यहाँ पे, फ्रेंडली माहौल है, इतना एग्जर्शन मेंटली होता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह रह के और काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हेल्दी एटमोसफेयर रहता है, और विवेक सर रहते ही हमें मोटिवेट और इंकरेज करने के लिए, तो इतना मेंटली प्रेशर नहीं है हम लोगों के ऊपर। लेकिन फिर भी जब आप खाली होती हैं, कुछ गुनगुनाती हैं, कुछ कविता, कुछ चुटकुले, खाली टाइम के अंदर क्या शौक स्पिरिचुअल रहा कुछ है? सुनने, जी हमें विवेक सर है तो दिन रात मोटिवेट करते ही रहते हैं, तो ऐसे कभी हम डीमोटिवेटेड हुए नहीं है अभी तक, और इनके साथ में हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा एटमोसफेयर है हमारे ऑफिस के अंदर, इतना कोई मेंटली प्रेशर नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि बिना मेंटल प्रेशर के आप और हमारे देश के जो सारे डॉक्टर्स हैं वो इसी तरह काम करते रहते हैं और सेवा भाव में लगे रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। चलते चलते मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे और मनुश्री जी आपसे, पहले मैं डॉक्टर विवेक आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल की भावनाएं अपने लोगों को, देशवासियों को किस तरह कहना चाहेंगे? मेरा ये सभी से कहना है कि कोरोना से डरे नहीं और सब सामान्य रूप से इसका जीवन यापन करते हुए अपना जीवन यापन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बिल्कुल, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। डॉक्टर मनुश्री जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी, मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि कोरोना है ये, इससे अनावश्यक रूप से डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क होकर आपकी दिनचर्या है, सतर्क होकर कार्य करने की जरूरत है, और किसी तरह से भी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंस का प्रैक्टिस करें, मास्क लगा के निकलें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। बिल्कुल, निश्चित तौर से जो सामने संकट की घड़ी है, जो कोरोना वायरस है, उसके साथ हमको लगातार लड़ना है, उससे डरना नहीं है। ये एक संदेश जो है आप और हम सभी के पास बार बार और लगातार आता रहता है, डॉक्टरों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, अन्य समाज सेवी संगठनों के माध्यम से, हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, राजस्थान में अभी जो कोरोना की स्थिति है वो लगातार एक तरफ जहां कोरोना के जो मरीज है, संक्रमण है, वो बढ़ भी रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये है कि करीब 46 से 47% जो मरीज हैं वो राजस्थान में ठीक हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा सुखद जो है वो समाचार है कि 46 से 47% यानी कि करीब 50% के आसपास जो लोग हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो नर्सिंग कर्मचारी हैं, जो हमारी टीम है पूरी डॉक्टरों की, उन सब की बदौलत ये शुभ समाचार जो है हमको मिल रहा है, और जल्दी हम इस पूरे कोरोना से जो है मुक्त होंगे, हमारा देश भी मुक्त होगा। लेकिन आपको अपने घर पर रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का,
अपने समाज का, और ये सब अगर आप करेंगे तो सबसे बड़ी देशभक्ति का परिचय आप देंगे और हम देंगे। आप डॉक्टर विवेक गोस्वामी आप और मनुश्री जी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना भी ख्याल रखें और पूरे समाज का भी ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।